गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये डिज़ाइनर सूट बनाने वाले हैं, तो उसको देखते हैं हमने कैसे बनाया है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पेपर पे कटिंग करके बता रही हूँ। ये मैंने बैक वाला पार्ट काट लिया है, जैसे हम नॉर्मली सूट काटते हैं उसी तरीके से हमें सूट को बनाना है। तो ये पीछे वाला मैंने सूट काट लिया है, देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से मैं सामने वाला सूट भी काट लूँगी। बस जो हमारा सामने वाला सूट है वो 1 इंच बड़ा होगा आगे वो पीछे वाले सूट के मुकाबले में। 1 इंच हम इसको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके काट लेंगे जो हमारा फ्रंट वाला सूट होगा, ठीक है। यहाँ से ही कमर हमारी हो गई, जो भी हमने कमर लेनी है। उसके बाद 1 इंच नीचे की साइड यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे और उसको काट लेंगे। और साइड वाले पार्ट को, मतलब जो हमने मार्क किया था, उसको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये जो ऊपर का हमारा चोली है वो अलग कटेगा और जो नीचे का है वो अलग कटेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें, उसके बाद काटेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर हम इसको कर लेंगे। इसका सेंटर पॉइंट लेके इसको हम 3 इंच अंदर की साइड पे मार्क कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, और इसको मिला के इस तरीके से हम इसको काट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने काट लिया है। इस तरीके से हमने आधा इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था सिलाई के लिए, वो हम इस तरीके से इसको सिलने वाले हैं। वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ किस तरीके से सिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कंधे जो हमारे होंगे वो दोनों इक्वली होंगे, दोनों बराबर कंधे लेंगे यहाँ पे। और आप जितना डीप चाहे उतना डीप आप नेक बना सकते हैं इस तरीके से गोलाई देते हुए, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का जो है ये बेस था हमारा। उसके बाद जो मैंने येलो कलर का कपड़ा लगाया है वो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से कटेगा। जो हमने साइड वाला जिसपे हमने गला बनाया है उसी कपड़े को रख के हम इस तरीके से उसकी चोली बना सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसी कपड़े को रख के मार्जिन ले लिया है और इस तरीके से मैंने इसको काट दिया है। यहाँ पे मैंने मुट्ठी के साथ इस वाले फैब्रिक को लगाने के लिए दिखाया है आपको, बट मैंने अपने वाला जो कपड़ा है उसके अंदर मैंने मुट्ठी के साथ ना लेते हुए थोड़ा सा ऊपर की साइड इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो मेन कपड़ा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, दिखा दिया है मैंने आपको कटिंग जैसे मैंने करी है। ये येलो वाला कपड़ा जो मैंने आपको बताया था कि मैंने मुट्ठी के साथ नहीं लिया है, थोड़ा सा बढ़ा कर लिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग आई है इसकी। और यहाँ से हम आधा आधा इंच करके यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगानी है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आप चाहें तो यहाँ पे चॉक से मार्क कर लीजिए एंड इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते बता रही थी जैसे मैं आपको मुट्ठी के साथ नहीं लिया है, मैंने ऊपर साइड थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा लेके मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है। और ये जो आगे की साइड येलो वाला जो कपड़ा है उसको हम सिलाई के साथ साथ ही सिल देंगे, ठीक है। ये हम जो हमारा ब्लैक वाला कपड़ा है उसके साथ ही इसको नहीं सिलेंगे, इसको अलग से ही सिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। और ये अब मैं गोलाई वाली साइड पे इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी, बिल्कुल भी कपड़े को नहीं खींचना है हमको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। ये कंधे वाला जो साइड था वहाँ तक मैंने इसको इस तरीके से सिलाई को लगा दिया है, देख सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर गोल शेप आती है तो वहाँ पे कट्स लगाना जरूरी होता है, जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से आता है, फिनिशिंग के साथ होती है, तो ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और उस कपड़े को अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड का जो है वो इक्वली कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे एंड इसके बाद हम इसकी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथों से करेंगे। और कपड़ा खींचेंगे तो इसमें कपड़े में झोल आ जाएगा हमारे, तो इस कपड़े को बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि हमने शेप में दी है, मतलब गोल शेप दिया है इसको। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा ही खींच रहा था, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको हल्के हाथों से ही सिलाई लगाएं, बिल्कुल भी खींचना नहीं है कपड़े को। वो दोनों कपड़ों को बराबर करेंगे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दोनों कपड़ों को बराबर करके यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे एंड तक, जहाँ तक हमने अंदर की सिलाई लगाई है वहीं तक हम ऊपर के साइड से भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा बन के आ रहा है। ये देख सकते हैं आपको मैं बता रही थी ना, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब खिंच रहा था, इसलिए इस तरीके से आई है। एंड इसके बाद हम गला बना लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया है, उसको इस तरीके से रख के पलट लिया है एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको कच्चा कर लेंगे सुई धागे से। ठीक है, इसको कच्चा करने के बाद हम इसके किनारे किनारे पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे एंड इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और जो गोलाई है वहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ही है कट लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम कट्स लगा के इसको पलट लेंगे अच्छे से और इसके जो कच्चा गया था उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कपड़ा था उसको हम इस तरीके से पलट लेंगे पीछे की साइड पे, और ये येलो वाला कपड़ा है इसको आगे की साइड पे इस तरीके से पलट लेंगे और उसके बाद हम इसको सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा मेन कपड़ा है और जो हमने गला बनाने के लिए कपड़ा लिया था उन दोनों कपड़ों पे लगाना है, येलो वाला कपड़ा हमें नहीं सिलना है इसके साथ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ येलो वाले कपड़े पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगाई है मैंने। ठीक है, तो अब हम जो हमारा साइड वाला कपड़ा था उसको हम इस तरीके से सिल लेंगे, नीचे की साइड से पकड़ के सिल लेंगे और दोनों जो कपड़ा है वो इक्वली ही होना चाहिए, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जहाँ तक भी सिलाई लगेगी हम उसको वहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों कपड़ों को मैंने इस तरीके से पकड़ के सिल दिया है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से बन के आया है, हमारा कपड़ा जो है जुड़ गया है। और ये जो पीछे के साइड हमने 7 पॉइंट का मार्जिन लिया था उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे दोनों को साइड साइड से, आधा मतलब 2-2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इसको हम अंदर साइड इस तरीके से करके फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे तुरपाई करने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे कच्चा कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही मैं ऊपर वाले साइड पे भी मतलब जो हमारा साइड वाला कपड़ा था उसको भी मैं इसी तरीके से कच्चा कर लूँगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको कच्चा कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। एंड ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा जो हमने गला बनाने के लिए लिया था उसको भी हम मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा जो भी जितना भी कपड़ा है उसको कट कर लेंगे एंड इसको भी हम जैसे मैंने आपको बताया सिलाई लगाने के लिए उसी तरीके से येलो वाले कपड़े को नहीं सिलना है, येलो वाले कपड़े को बाहर निकाल के हम यहाँ पे कच्चा कर लेंगे और उसको भी उसी तरीके से कच्चा कर लेंगे। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं मैंने जो हमारा ऊपर टॉप था उसका सेंटर ले लिया है। इसका सेंटर लेने के बाद जो नीचे वाला सूट का कपड़ा है उसको भी हम सेंटर लेके दोनों को सिल देंगे एक साथ। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर ले लिया, देख सकते हैं आप। एंड ये जो हमारा टॉप है उसका भी सेंटर ले लिया है और इन दोनों को मैंने सिल दिया है। पिन अप कर ले ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे कि हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने पिन अप कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कच्चा करके भी सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो आधे इंच का जो हमने मार्जिन लिया था, एक्स्ट्रा जो मार्जिन लिया था आधा इंच मतलब 1 इंच जो मार्जिन लिया था उसको आधा इंच करके सिल लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा आगे का जो सूट है वो बनके तैयार है। और यहाँ पे मैं आपको इसका जो बॉर्डर है जो हमने सिला है उसको छुपाने के लिए मैंने बॉर्डर बनाया है। ये वाला जो झालर है वो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, आप चाहे तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे। ये जो हमने बीच का जो पॉइंट बनाने के लिए जो कपड़ा लिया है 1.2 इंच तक है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिया है एंड ये देखिए बेल्ट की तरह हमारा बनकर तैयार है। इसको जो हमने जॉइंट लगाया है वहाँ पे इसको इस तरीके से सिल लेंगे दोनों साइड पे सिलाई लगा के। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा सूट बनकर तैयार है। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।